मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर हरीश सरोवा जी भाग सिंह खालसा कॉलेज पंजाब के एक प्रोफेसर हैं और सामाजिक योगदान हमेशा भारत को जगाने का कार्य करते आए हैं। प्रोफेसर हरीश सरोवा जी एक साधारण व्यक्ति हैं, वह हमेशा समाज को आगे ले जाने के लिए उनके विचार बिल्कुल सरल भाव में रहा है और महत्वपूर्ण रहा है। आज सुबह टाइम्स को लगातार इंटरव्यू देते आ रहे हैं। आगे देखिए प्रोफेसर हरीश सरोवा की एक जुबानी से। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर हरीश सरोवा फ्रॉम भाग सिंह खालसा कॉलेज अबोहर अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट, मेरी मन की इच्छा हुई कि मैं आपसे इंटरेक्ट करूं, और जो मूल निवासी अधिकार सुरक्षा समिति का हमने एस्टेब्लिशमेंट किया है, एक्चुअली उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि हम आपके अधिकारों से आपको वाकिफ कराएं, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिए गए हैं उनकी हम बढ़ चढ़कर सुरक्षा करें, आर्टिकल 15 के जो सारे पार्ट्स हैं उनकी प्रॉपर वे में हम अधिकारों की सुरक्षा करें। एक्चुअली साथियों, जो लगभग 5000 साल पुरानी गुलामी, जो हमारा शोषण, जो हमारे को दबाया गया, कुचला गया, हमारे को नकारा गया, नेगलेक्ट किया गया, किल किया गया, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई, हमारे मानसिक बल को तोड़ा गया, हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया, उसी प्रयास में आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। हाँ, ये सही है कि ब्रिटिश काल के दौरान हमारे को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला, और सबसे पहले 26 जुलाई 1902 ईस्वी में भारत के महान सम्राट छत्रपति शाहू जी महाराज ने दलितों, पिछड़ों, SC ST OBC बैकवर्ड क्लासेस के लिए, क्योंकि उनका सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक शोषण होता रहा, उनके संसाधनों को छीन लिया गया, उनकी ज़मीनों जायदादों को दबाया गया और उनको मानसिक गुलाम बनाया गया। तो उस गुलामी से मुक्ति करवाने के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज ने पहला प्रयास जो 26 जुलाई 1902 को किया था, उसी प्रयास का आज नतीजा हुआ कि वहाँ से एक नई पौध तैयार हुई, एक नया फ्यूचर तैयार हुआ, और बाबा साहब के रूप में हमारे को एक ऐसा संविधान विशेषज्ञ, एक ऐसा समाजशास्त्री, एक ऐसा अर्थशास्त्री और एक ऐसा नीति नियंता हमारे को मिला, जिसने लाखों करोड़ों की संख्या में जो हमारे दलित, जो हमारे पिछड़े, जो हमारे मेहनतकश, जो हमारे मुसीबत में फंसे हुए लोग थे, सदियों से जिनका शोषण किया जा रहा था, उनके लिए उनको अधिकार बनाने का मौका मिला और हमारा संविधान बनाने का मौका मिला। इन्हीं विचारों पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि जैसे पहला जो फंडामेंटल उन्होंने हमारे को राइट दिया, रिजर्वेशन साथियों, दरअसल इसको रिजर्वेशन न कहकर इसको अगर रिप्रेजेंटेशन कहा जाए, भागीदारी कहा जाए, तो मुझे लगता ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज जाति व्यवस्था के अंतर्गत जिसको प्रताड़ित किया गया, मैं उन लोगों को केवल आरक्षण की बुनियाद दे रहा हूँ। और ये आरक्षण की बुनियाद साथियों जो पुन्ना पैक्ट के मार्फत हुई थी, क्योंकि उससे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा अंग्रेजों से मनवाई थी। चूँकि गांधी जी ने आमरण अनशन कर लिया था, इसलिए जो है रीजन ये बना कि उसकी एवज में हमारे को आरक्षण दिया गया और कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। तो विभिन्न मुद्दों पर मैं आपसे बात करता रहूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉपर वे में इसको सुने। और जो भागीदारी की बात है कि जिसकी जितनी संख्या होगी साथी, उसके अकॉर्डिंग उसको भारत की हर संस्था में, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो मीडिया का स्तर हो, या कॉरपोरेट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सभी सेक्टरों में बाबा साहब का विचार था कि उनको एक भागीदारी दी जाए। क्योंकि आज जितनी भी योजनाएं बनी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, या और प्रोजेक्ट्स है, या दामोदर वैली परियोजना है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी परियोजनाओं में बाबा साहब का विजनरी और मिशनरी रूप हमारे को देखने को मिलता। आज भी भारत सरकार कोई भी नीति बनाती तो सबसे पहले उनको बाबा साहब के वो वॉल्यूम पढ़ने पड़ते हैं जिनमें बाबा साहब का चिंतन, मंथन, उनके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सोच समाहित होती है। तो बाबा साहब डेफिनेटली भारत के एक महान विशेषज्ञ थे,
जिन्होंने सदियों सदियों के लिए भारत कैसे निर्धारित होगा इसकी गुंजाइश हमारे लिए बचा कर रखी साथियों। और समाज के दलित पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी माइनॉरिटीज़ के लिए जो उन्होंने बुनियाद शुरू की, उसी बुनियाद की सुरक्षा के लिए हमने एक सोसाइटी का बुनियाद रखी है, मूल निवासी अधिकार सुरक्षा सोसाइटी। और इसी संदर्भ में हम विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों मीटिंगें करते रहते हैं, कैडर कैंप, और लोगों को चेतना से लैस करते हैं, तर्क से लैस करते हैं, क्योंकि साथियों तर्क के से ही फर्क पड़ता है, तर्क के बिना कोई बुनियाद हासिल नहीं हो सकती। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को गुलामी की मानसिकता, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपने आप अपनी गुलामी छोड़ के और उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए तैयार होगा, और वो क्रांति करने के लिए तैयार हो जाएगा, और वो अपने आप ही सक्षम हो जाएगा अपने अधिकारों के लिए। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे रजा चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान साथियों, और जय समाजवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखेंगे, पाखंडों से अपने आप को मुक्त रखेंगे, और हर मुद्दे पर क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो मुद्दा अभी अभी यूपी में कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल कर लिया गया है, लेटरल चाहे भर्ती होई जा रही है, ज्वाइंट कमिश्नर तक के पद डायरेक्ट भरे जा रहे हैं, न्यायपालिका के अंदर जो कॉलेजियम सिस्टम है, या बैकलॉग का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों पर मैं जानता हूँ कि आप रेगुलर यूं ही समाज को जगाते रहोगे, चेतना से लैस रहोगे, और रिजर्वेशन को भी आपको सिक्योर करना, लेकिन सिर्फ रिजर्वेशन ही नहीं मांगनी साथियों, आपको भारत का हुक्मरान बनना है, ताकि हम लोग जो है रिजर्वेशन देने वाले बने, जॉब क्रिएटर बने, जॉब प्रोवाइडर बने। और भारत में जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं ऐसा समाज चाहता हूँ जो कि समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता पर आधारित रहे साथियों। इन शब्दों के साथ मैं आपसे रजा चाहूँगा। जय भीम साथियों, जय मूल निवासी साथियों। आज मैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर बात करना चाहूँगा, भारत के संविधान पर बात करना चाहूँगा साथियों। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में इसके ड्राफ्ट को सौंप दिया साथियों, और लागू हुआ साथियों 26 जनवरी 1950 को। और साथियों आज भारत को आज़ाद हुए 72 ईयर्स हो चुके हैं, 72 साल पूरे हो चुके हैं हमें आज़ादी मिले, अंग्रेजों से आज़ादी मिले साथियों। लेकिन आज भी साथियों हम कहीं कहीं मानसिक रूप से सवर्ण लोगों के गुलाम हैं, मानसिक रूप से ब्राह्मणवादी मानसिकता, मनुवाद के गुलाम है साथियों। और हमारी हर लाइफ का जो हर नियम, हर कानून, हर कायदा ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों की नीतियों के अनुसार निर्धारित होता साथियों। साथियों अगर हम संविधान को देखें, अगर उस पर चिंतन करें, मंथन करें, उसमें जो मूल अधिकार दिए गए साथियों, वो मूल अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे को प्रोवाइड इसलिए किए थे ताकि हम इस देश के हुक्मरान बने, इस देश के गुलाम नागरिक ना बने। जैसे कि 1932 में उन्होंने अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि जाओ और अपनी घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के हुक्मरान हैं, हम इस देश के शासन निर्माता है। साथियों कितने भारत के मूल निवासियों ने बाबा साहब के विचारों को माना। दुख की बात यह है कि आज भी हमारे जो है पढ़ा लिखा समाज गुलामी मानसिकता से प्रताड़ित रहता है, और जिसके कारण ना तो वो संघर्ष करता है, ना ही वो कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन बना पाता। हालांकि 1 लाख से भी ज़्यादा हमारे संगठन है जो कि बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं। हमारे इतने मेंबर पार्लियामेंट जो है लोकसभा में भी जाते हैं और राज्यसभा में जाते हैं, और विधानसभा में हमारे बहुत से MLA और कॉरपोरेट्स बहुत से हैं, लेकिन साथियों वो हमारे समाज की आवाज़ नहीं उठाते। उनको मैं तो पिट्ठू कहूँगा, उनको मैं तो खोता कहूँगा, उनको मैं तो दलाल कहूँगा साथियों, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज की किसी भी आवाज़ को उठाना छोड़ दिया। अभी अभी पीछे नई लोकसभा गठित हुए साथियों, उसमें सिर्फ एक मुस्लिम सांसद को छोड़ के किसी भी दलित, किसी भी ST, किसी भी OBC समाज के MP ने एक बार भी जय भीम नहीं बोला साथियों। ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय है, बहुत चिंतन का, बहुत मंथन का कहूँगा साथियों, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज की किसी भी आवाज़ को उठाना छोड़ दिया। अभी अभी पीछे नई लोकसभा गठित हुए साथियों, उसमें सिर्फ एक मुस्लिम सांसद को छोड़ के किसी भी दलित, किसी भी ST, किसी भी OBC समाज के MP ने एक बार भी जय भीम नहीं बोला साथियों। ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय है, बहुत चिंतन का, बहुत मंथन का
और बड़ी गंभीर समस्या का मुद्दा है साथियों। संविधान साथियों लागू हो गया साथियों, लेकिन आज भी हमारी जो शिक्षा नीति है वो हमारे गुलाम नागरिक पैदा कर रही है। वो ऐसे मानसिकता के लोग पैदा कर रही है जो कि ना तो कभी तर्क करेंगे, और साथियों जब तक आप तर्क नहीं करेंगे साथियों कभी फर्क नहीं पड़ सकता। रीजनिंग तो आपको करनी पड़ेगी, रैशनल तो आपको करना पड़ेगा, पाखंडों का विरोध तो आपको करना ही पड़ेगा, परंपराओं का, रीति रिवाजों का, जितनी दकयानुषी मानसिकता है, चाहे वो जनेऊ की मानसिकता है, चाहे वो माथे पे तिलक लगाने की मानसिकता साथियों, या शादी विवाहों में हम इतने पाखंड करते हैं साथियों, ब्राह्मण लोगों की देखा देखी, उनको ख़त्म करना पड़ेगा, उनको बिल्कुल सादा जीवन जीना पड़ेगा, जितना भी समय है साथियों, जितना भी पैसा है अपने इस आंदोलन में लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो आंदोलन 5000 साल से चला आ रहा है उस आंदोलन का आज तक भी हमारे को मंजिल नहीं मिली है साथियों। दो चार कदम चलने को मंजिल नहीं कहते साथियों, मंजिल के एक निरंतर, आपको मंजिल के लिए आप निरंतर प्रयास करना पड़ता, दिन रात आपको चैन से नहीं बैठना होता साथियों, समाज को जगाना पड़ता है, निरंतर समाज को चेतना देनी पड़ती। जैसे कि भगत सिंह ने कहा था कि विचारों की धार से ही जो है कोई आंदोलन नए तरीके से चलता साथियों, संघर्ष की बुनियाद रचता है। और भगत सिंह ने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा, और निरंतर मैं इस आंदोलन के कारवां को आगे बढ़ाता रहूंगा और ऐसे ही लगा रहूंगा साथियों। तो साथियों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, या आसाम से लेकर भुज तक जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे मेरा यही प्रयास है कि आप गले गले में, एक एक कॉलोनी में जाकर, एक एक गांव में जाकर, एक एक कस्बे में जाकर, बुनियादी तरीके से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को शिक्षित करने में अपना योगदान दें, लोगों को संघर्ष करने में मदद करें और लोगों को संगठित करें साथियों। क्योंकि बगैर संघर्ष के कोई भी बुनियाद जो है, बगैर संघर्ष के कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता, और कोई भी समाज जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रजा चाहूँगा साथियों, और मैं फिर कहना चाहूँगा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा साथियों, वो तर्क से लैस होगा, लेकिन शर्त यह है कि वो शिक्षा जो सही में शेरनी का दूध होना चाहिए, शिक्षा में किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, चाहे वो प्राचीन काल के महापुरुष है, चाहे वो मध्यकाल के महापुरुष है, या आधुनिक काल के महापुरुष है, चाहे वो पेरियार साहब है, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज है, चाहे वो बिरसा मुंडा है, चाहे वो माता सावित्री बाई फुले है, चाहे वो माता रमाबाई जी है, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है साथियों, या माननीय कांशीराम जी है साथियों। उनके विचारों को पढ़कर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक रूप से हमें सजग बनना पड़ेगा, ताकि सदियों से जो हमारे समाज को जातियों में तोड़ा गया, वर्ण व्यवस्था में तोड़ा गया, अनटचेबिलिटी में तोड़ा गया, जो हमारे समाज का कॉन्फिडेंस मारा गया साथियों, उस समाज को हमें जागरूक करना है, उसके नैतिक मूल्यों को बढ़ाना साथियों। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमारा आंदोलन चला था साथियों, इस आंदोलन को हमें निरंतर यूं ही सजग करते रहना, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस कारवा को आज मैं इतने संघर्ष और इतने मुसीबतों से झेलता हुआ आज यहाँ तक लाया हूँ, इस संघर्ष को आपको आगे ना बढ़ा सको तो कम से कम इस संघर्ष को पीछे मत जाने देना साथियों। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे रजा चाहूँगा साथियों। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी और जय संविधान साथियों। भारत पढ़ लिख कर सबसे आगे होने जा रहा है, लेकिन लोगों का मानसिकता नहीं बदल रहा है। आए दिन बच्चियों से, औरतों से दिन प्रतिदिन अत्याचार, बलात्कार जैसे घिनौने हरकत देखने को मिल रहा है, या बिल्कुल सही नहीं है, या समाज के लिए तौर तरीका अच्छा नहीं है। यदि आप इस तरह से कर रहे हैं तो आप सुधर जाइए और अच्छे भारत के नागरिक बनिए। देश का विकास के बारे में सोचिए, देश के समृद्धि के बारे में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।